मेरे प्यारे भाई आपको दिख रहा है 3 की पावर 8 की पावर 2x, बोलो हाँ, आप बोलोगे यस सर। अब मेरे प्यारे भाई ये 81 है, 81 क्या होता है, 81 बहुत ही फेमस नंबर है, 81 होता है 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर है 2 की पावर 5x, बताओ इसमें कोई तकलीफ है क्या, इसमें कोई तकलीफ है बोल दीजिए। 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4 है ना, और 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 उसकी होल पावर 2 to the power 5x। देखिए जब भी होल पावर होता है तो पावर्स की आपस में गुणा हो जाती हैं, बोलिए। अब जैसे 3 की पावर 4 उसकी होल पावर 2 की पावर 5x, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 into 2 की पावर 5x, बोलो हाँ, हाँ बोल दो, बोल दिया ना, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही सर, एकदम मजा आ गया, एकदम सही बात आपने बोली है, कोनो तकलीफ नहीं है हमें यहां तक। अब आप बताओ बच्चा बच्चा जानता है 4 का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये जो 4 है ना, ये जो 4 है, 4 का मतलब हो जाएगा 2 स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर ये 4 तो 2 स्क्वायर था कि नहीं था, 5/2 बता रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। देखिए बेस तो 3 ठीक है, यहां देखिए आप बस इसको देखो पावर को, अरे हम ये बात बताए रहे कि गुणा में पावर जुड़ जाती है, 2 की पावर 2 है, गुणा 2 की पावर 5x है, तो 2 तो ठीक है, यहां 2 की पावर 2 है और ये 5x है, तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 + 5x, 2 + 5x, बोलिए, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं बताइए कि यहां तक कोई, इसलिए मैं एक एक स्टेप खोल के लिख रहा हूं अभी, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप दोस्त यहां बताइए ये क्या चल रहा है, 3 की पावर 8, 8 की पावर 2x, बोलिए सही। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब ये दोनों चीजें बराबर है। आप जब देखोगे सर यहां भी बेस 3 है, यहां भी बेस 3 है, अगर बेस 3 है तो पावर सेम होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर होगी, पावर सेम करो बेस दोनों जगह 3 3 है। आप बोलोगे हाँ जी। यहां देखो दोस्त 8 की पावर 2x है, 8 की पावर 2x, यहां क्या है मेरे प्यारे भाई, यहां है 2 की पावर 2 + 5x, 2 की पावर 2 + 5x, और ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, बोलिए ठीक है ना, बोल दिया ना। अब आप एक बात बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो अपने पास तक ही सीमित रखे तकलीफ, ठीक, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि स्टेप खोल के, बहुत आसान था, कर लिया ना, इतना कर लिया सभी बच्चा ने। आप एक बात बताइए कि यहां भी करने कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, यहां बेस 8 है, यहां बेस 2 है, तो गलत बात है, दोनों को सेम करेंगे। अच्छा 8 क्या होता है दोस्तों, 8 होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब उसकी होल पावर 2x है, 2 का क्यूब 8 और उसकी होल पावर है 2x, 8 का मतलब 2 का क्यूब, तो मेरे प्यारे भाई 2 की पावर 3 उसकी पावर 2x, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, तो 2 की पावर कितना हो गया, 3 × 2x 6x, तो 2 की पावर 6x हो गया, बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात बोले आप, 2 की पावर कितना हो गया 6x। अब सवाल ये देखे, यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, तो अब निपटा दो इसे, निपटा दो, पावर बराबर होगी 6x = 2 + 5x, 6x - 5xx, तो x बराबर आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू केवल 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया।